संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु ऐसा प्रावधान किया, यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार से कोई कानून चाहे संविधान लागू होने से पूर्व का हो या बाद का उनसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना चौहान आज बात करूंगी डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 13 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 13 यह कहता है कि मौलिक अधिकारों का से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या उन्हें प्रभावित करता है तो उसे समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि संविधान लागू होने से पूर्व का कोई कानून और संविधान लागू होने के बाद के कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो उन्हें कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है या उस पार्ट को काटा जा सकता है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। अनुच्छेद 13 में दो प्रकार की विधियों की बात की गई है। पहली विधि है, अनुच्छेद 13 का पार्ट फर्स्ट कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसका मतलब है संविधान लागू होने से पूर्व के कानून जो अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए बनाए थे, जो संविधान लागू होने के बाद भी उन्हें लागू किया गया। ऐसे कानून अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं या उन्हें किसी भी प्रकार से उन्हें अल्पीकरण करते हैं तो उन्हें समाप्त किया जा सकता है या उस भाग को समाप्त किया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। तो इन्हें क्या कहा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा है, यानी कि संविधान से पूर्व के कानून कहा है। जैसे कि आपकी आईपीसी, सीआरपीसी अंग्रेजों की बनाई हुई है, और भी बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम को हमने अपने संविधान में कहा जाता है कि 25% जो पार्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम को समावेशित किया है। और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं जो आज भी हमारे यहाँ लागू है। तो अगर ऐसा कोई कानून मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। इसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहा है, संविधान के पूर्व के कानून कहा है, जो अनुच्छेद 13 के पार्ट फर्स्ट में है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 13 के पार्ट फर्स्ट के अनुसार संविधान की पूर्व की विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक असंगत होंगी जिस मात्रा तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं। ऐसी विधियां प्रारंभ से शून्य नहीं होती बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के बाद अप्रवर्तित हो जाती हैं। उन विधियों पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है जिसके कारण वे सुसुप्त अवस्था में रहती हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई कानून है जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है लेकिन ये शुरू से ऐसे कानून शून्य नहीं होंगे या समाप्त नहीं किए जाएंगे। माना ये पूरे का पूरा कानून है, ये कानून आपका सभी, इस कानून का ये भाग मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो इस कानून को, इस वाले पार्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि ये पूरे का पूरा कानून मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो ये पूरे का पूरा कानून समाप्त हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, इसमें एक शब्द दिया हुआ है, ये सुसुप्त अवस्था में रहता है। सुसुप्त का मतलब है कि वो सोया हुआ है, कभी भी एक्टिव हो सकता है। कहने का मतलब है कि संविधान के ये वाला जो पार्ट, माना संविधान का ये वाला भाग जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा था, जिसे हमने काट दिया है या समाप्त कर दिया है, ये दोबारा भी जीवित हो सकता है। और दोबारा जीवित कैसे हो सकता है, इसे हम देखते हैं कि भिकाजी नारायण बेनाम एमपी राज्य 1955 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आच्छादन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि संविधान के पूर्व प्रवर्तित कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है वह मृत नहीं है अपितु मौलिक अधिकारों द्वारा छायांकित हो जाता है और तत्काल रूप से अप्रभावी हो गया है, आच्छादित भाग पुनः जीवित हो सकता है यदि मौलिक अधिकारों द्वारा लगाए गए निर्बंधों को संविधान के संशोधन द्वारा हटा दिया जाए। कहने का मतलब है कि संविधान के जिस पार्ट को हमने
समाप्त किया है या पूरे कानून को समाप्त किया है वो दोबारा जीवित हो सकता है। उसे कुछ समय के लिए मतलब हमने वो सो गया है, वो कभी भी एक्टिव हो सकता है। जैसे कि आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं कि ये मृत ज्वालामुखी है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, तो वो सुसुप्त है यानी कि सोया हुआ है, कभी भी एक्टिव हो सकता है। और एक्टिव कब होगा? यदि मौलिक अधिकारों द्वारा लगाए गए जो निर्बंध है उन्हें संसद संविधान के संशोधन द्वारा हटा सकती है। क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे, दो प्रकार के कानून विधियां होती हैं, एक होती है सामान्य विधि और दूसरी होती है संविधान संशोधन विधि, है ना। तो संसद जो संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों में, वो संविधान संशोधन के माध्यम से भी कर सकती, के माध्यम से ही कर सकती है, और अनुच्छेद 368 के द्वारा, ठीक है। तो ये जो सोया हुआ भाग है ये द्वारा जीवित हो सकता है यदि मौलिक अधिकारों द्वारा लगाए गए जो निर्बंध है वो संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाए। तो छायांकित भाग, जैसे कि ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय क्या है, यानी कि ग्रहण लग रहा है, ग्रहण का मतलब छाया पड़ रही है, शैडो पड़ रही है, तो या तो जिस कानून के जिस पार्ट की शैडो पड़ रही है उसको समाप्त कर दिया जाए या पूरे का पूरा कानून समाप्त कर दिया जाए। तो इसको हम कहते हैं आच्छादन, यानी कि छाया डाल रहा है या ग्रहण लगा रहा है, इसलिए इसे आच्छादन सिद्धांत कहते हैं। पहले अभी इसमें बताएंगे कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत है ये संविधान के पूर्व के कानून पर ही लागू होगा, यानी कि केवल अनुच्छेद के 13 के 5 फर्स्ट पर लागू होगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान लागू होने की बाद की विधियों पर भी लागू होगा, यानी कि अनुच्छेद 13 के 2 पर भी लागू होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, यानी कि 13 फर्स्ट ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कानून या विधियां जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन की मात्रा तक, यानी कि जिस मात्रा तक उल्लंघन किया जा रहा है उस कानून को अवैध या शून्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कानून को क्या कहा है? पूर्व संवैधानिक कानून कहा है। कहने का मतलब है कि वही जो क्या कर रहा है, आपका उल्लंघन कर रहा है, उसी पार्ट को समाप्त किया जाएगा, अवैध या शून्य घोषित किया जाएगा उल्लंघन की मात्रा तक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो माना पूरा कानून है, इस कानून का ये भाग क्या कर रहा है, छाया डाल रहा है, ग्रहण लगा रहा है या आच्छादित कर रहा है, तो इस वाले पार्ट को काट दिया जाएगा और ये आधा कानून बच जाएगा जो लागू रहेगा। अगर पूरा कानून प्रभावित कर रहा है तो पूरे कानून को भी क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो इसे आच्छादन और ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार को क्या है, सशक्त बना रहा है, सुरक्षा तो प्रदान कर रहा है लेकिन साथ के साथ सशक्त यानी कि मजबूत बनाने का कार्य भी करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ऐसा जो है आपका ये जो कानून है, भीकाजी नारायण बेनाम एमपी राज्य 1955 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को प्रतिपादित किया था, इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह है जो आच्छादन का सिद्धांत है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि अनुच्छेद 13 के पार्ट फर्स्ट पर ही लागू होगा, फर्स्ट पर ही लागू होगा। कहने का मतलब है कि जो पूर्व के कानून है, संविधान लागू होने से जो पूर्व के कानून है उन्हीं पर लागू होगा, बाद के कानून पर लागू नहीं होगा। लेकिन आपके गुजरात राज्य बेनाम अंबिका जो वाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो ग्रहण का सिद्धांत है वो आपके क्या है, संविधान लागू होने के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा। तो प्रेजेंट में अनुच्छेद 13 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पर आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। तो अब दूसरी बात, पहले हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं
पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं, यानी कि संविधान लागू होने के बाद 1950 के बाद बनाए गए कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या कम करने का प्रयास करते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा, या वो पार्ट जो उस पर छाया डाल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे हमने आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब है कि संसद या राज्य का विधानमंडल यदि कोई कानून बनाता है तो उल्लंघन की मात्रा तक वह कानून सुनने या अवैध घोषित या समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान के लागू होने के बाद के कानून कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं संविधान लागू होने के पूर्व के और बाद के कानून पर, दोनों पर आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, और ऐसा कब कहा? गुजरात राज्य बेनाम अंबिका मिल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आच्छादन का सिद्धांत संविधान से पूर्व के कानूनों पर और बाद के कानूनों पर, दोनों पर लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि संविधान में दो प्रकार के कानूनों की बात की गई है। एक है सामान्य विधि, जो कि अनुच्छेद 13(3) उसके ए में दी गई है। दूसरी है संविधान संशोधन विधि जो 368 में दी गई है। कहने का मतलब है कि संसद सामान्य विधायी शक्ति से मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी कि जो 13(3)(a) में जिस विधि की बात की गई है उसको सामान्य विधि कहा जाता है, जिससे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। और किस माध्यम से संशोधन होगा? अनुच्छेद 368 में जिस विधि की बात की गई है उसे संविधान संशोधन विधि कहते हैं, उसी से ही मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि लेकिन 368 के माध्यम से संशोधन हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के माध्यम से भी संसद जो संशोधन करेगी वह ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कहा किया गया है, यानी कि संविधान का मूलभूत भाग कहा गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो मूलभूत भाग है, जिसे मौलिक अधिकारों का आधारभूत स्तंभ माना जाता है, उसमें भी संसद 368 के द्वारा संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कि संशोधन वैसे पूरे मौलिक अधिकार में कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो कि उनका अल्पीकरण करने का प्रयास करती है। तो ठीक है, इस तरीके से दो प्रकार की विधियां हैं, उनमें से हम सामान्य विधि जो अनुच्छेद 13(3)(a) में दी हुई है, और दूसरी संविधान संशोधन विधि जो अनुच्छेद 368 में दी हुई है, और 368 जो में दी हुई विधायी शक्ति के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो सकता है, जिसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अनुच्छेद 13 में जिस विधि की बात की गई है वो सामान्य विधि कहते हैं। तो सामान्य विधि का मतलब क्या है? सामान्य विधि का मतलब है कि संसद के कोई अधिनियम है, या संसद का क्या है? कोई नियम है। अधिनियम, नियम, उपनियम, आदेश, है ना, और जो आपके ये है अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है, केंद्र में राष्ट्रपति जारी करता है, राज्य में राष्ट्रपति जारी करता है, या ऐसी रूढ़ियां हैं जो कि संविधान जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं, उन्हें सामान्य विधि कहा गया है, और सामान्य विधि से मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो कानून की बात करते हैं जो 13(3)(a) में दी हुई है, जिसे सामान्य विधि कहते हैं, इससे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। संशोधन किसके माध्यम से होगा? अनुच्छेद 368 के माध्यम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात जानी है, जो मेनली बात है, पहली बात अनुच्छेद 13(1) की बात की है, जिसे पूर्व संविधान लागू होने से पूर्व के कानून को कहा है, उसे में
अगर उससे कोई मौलिक अधिकारों पर ग्रहण लगता है या छाया डालता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। या 13 के सेकंड में कहा गया है, संविधान लागू होने के बाद के कानून अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 का पार्ट 3 ये कहता है, सामान्य विधि की बात करता है। सामान्य विधि का मतलब है अधिनियम, नियम, उपनियम, आदेश, अधिनियम, अध्यादेश या रूढ़ियों से है, उन्हें हम सामान्य विधि कहेंगे, जिससे मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। और मौलिक अधिकारों में संशोधन कैसे होगा, अनुच्छेद 368 के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, जो संसद करेगी, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कानून जो संविधान लागू होने से पहले का है या संविधान लागू होने के बाद का है उसको मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पहले डिक्लेयर किया है। पहले कहा था कि भीकाजी नारायण बैनाम वाद में कहा था कि ये जो वाद है केवल 13 के फर्स्ट पर ही लागू होगा, लेकिन गुजरात राज्य बैनाम अंबिका वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संविधान लागू होने के बाद के कानूनों पर भी लागू होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं, अनुच्छेद 13 को हम देखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक मैं और सिंपल तरीके से समझाने की एक और बात करती हूँ कि जैसे माना ये क्या है, आपके मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, और ये क्या है, आपका कोई पेड़ है ना, और ये एक मतलब कानून है, पेड़ के रूप का कानून है। ठीक है, या कोई दीवार है, तो इस कानून का वो पार्ट जो मौलिक अधिकारों पे छाया डाल रहा है, शैडो डाल रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये वाला पार्ट क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ठीक है, और ये वाला ये इधर का जो पार्ट है ये क्या रह जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कहा, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें मैंने आपको ये भी बताया साथ के साथ कि जो आपका भीकाजी, ये जो आपका कानून आया था भीकाजी नारायण बैनाम एमपी राज्यवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर छायांकित भाग जो है पुनः जीवित हो सकता है यदि मौलिक अधिकार पर जो निर्बंध लगाए गए हैं वो संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया जाए, तो जो कानून समाप्त किया गया था वो पुनः भी जीवित हो सकता है, यानी कि वो कानून मृत नहीं हुआ है, वो सोया हुआ है, द्वारा भी जागृत हो सकता है अगर संसद उन निर्बंधों को हटा दे जो उस कानून से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम एक बार मैं हल्का फास्ट में रिपीट करूंगी कि अनुच्छेद 13 का पार्ट फर्स्ट ये कहता है संविधान के पूर्व के कानून, 13 का सेकंड कहता है संविधान लागू होने के बाद के कानून अगर मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं तो वो समाप्त कर दिए जाएंगे, या वो भाग जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है तो उसको समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त करने का मतलब वो सोए हुए हैं, द्वारा भी जीवित हो सकते हैं, द्वारा जीवित कैसे हो सकते हैं, यदि वो कानून संसद यानी कि मौलिक अधिकारों के लगाए गए निर्बंध संसद संविधान संशोधन के माध्यम अनुच्छेद 368 के द्वारा उन निर्बंधों को हटा दे तो वह कानून द्वारा भी जीवित हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल 368 के माध्यम से हो सकता है और अन्यथा नहीं हो सकता। इस तरीके से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 13 जो है मौलिक अधिकारों को सशक्त भी बनाता है और मजबूत बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, ठीक, और अनुच्छेद 13 में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में देना, और ठीक है, और ओके, धन्यवाद।